इन संस्थाओं में 1 लाख से ज्यादा लाख लोगों को रोजगार मिला। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर हमारे देश में 80,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष के डॉक्टर शिक्षित होकर के प्रति वर्ष कॉलेज से निकलते हैं। इनमें से अगर 60% भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रति डॉक्टर 5 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये संख्या 2,40,000 होगी। लॉयर 2017 में लगभग 80,000 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने। इनमें से अगर 60% लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी और अपने 2-3 लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। इन 3 प्रोफेशन में ही 2017 में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले वर्ष ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री हुई। 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियां, अगर इसमें से 25% गाड़ियां बिक्री पुरानी गाड़ियों को बदलने में लिए मानी तो 5,70,000 गाड़ियां सामान ढुलाई के लिए सड़क पर उतरी और नहीं उतरी। ऐसी एक गाड़ी पर 2 लोगों को भी अगर रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11,40,000 होती है। उसी तरह अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखें तो ये संख्या 25,40,000 की थी। इनमें से अगर 20% गाड़ियां पुरानी गाड़ियों को बदलने की मानी जाए तो लगभग 20 लाख नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी। इन नई गाड़ियों में अगर केवल 25% गाड़ियां भी ऐसी मानी जाए जो एक ड्राइवर को रोजगार देती है तो वो 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी तरह से पिछले साल हमारे यहाँ 2,55,000 ऑटो की बिक्री हुई है। इनमें से 10% की बिक्री अगर पुरानी ऑटो बदलने की मानी जाए तो लगभग 2,30,000 नए ऑटो पिछले वर्ष सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि ऑटो 2 शिफ्ट में चलते हैं तो 2 ऑटो से 3 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में 3,40,000 लोगों को नए ऑटो के जरिए रोजगार मिलता है। अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इन 3 वाहनों से पिछले 1 वर्ष में 20 लाख लोगों को नए अवसर मिले हैं। ईपीएफ, एनपीएस, प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम जोड़ करके देखें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोजगार मिला है और ये एक इंडिपेंडेंट संस्था का सर्वे कह रहा है। मैं उस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट को कोट कर रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपा करके बिना तथ्यों को सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए, देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। आज देश एक अहम पड़ाव पर है। आने वाले 5 वर्ष
125 करोड़ हिंदुस्तानियों के, जिसमें 85% हमारे नौजवान देश की नीयत तय करने वाले हैं। न्यू इंडिया देश की नई आशा आकांक्षाओं का आधार बनेगा, जहां संभावनाओं, अवसरों, स्थिरता, इसका अनंत विश्वास होगा, जहां समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई अविश्वास नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण समय में, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में, हम सभी को साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया जी, जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार आंध्र की जनता के कल्याण के लिए एनडीए की सरकार कोई कमी नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।